हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अल्फिया कुरैशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सब एक्रोमियल वर्सा। सब एक्रोमियल वर्सा, दिस इज द लार्जेस्ट वर्सा ऑफ आर बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट बर्सा होता है बॉडी का। तो बर्सा बेसिकली होता क्या है, एक फ्लूइड फिल सैक होता है जो कि जॉइंट्स में होता है, जो कि फ्रिक्शन को रोकता है। फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बर्सा फ्लूइड फिल सैक्स होते हैं बहुत सारे। तो उसमें से सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो लार्जेस्ट है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन कोरेको एक्रोमियल आर्च और डेल्टॉइड मसल के नीचे है उसके। ये कोरेको, देखो एक डायग्राम है, ये है एक्रोमियल प्रोसेस और ये कोरेको प्रोसेस। तो ये एक आर्च, एक लिगामेंट होता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये एक पूरा आर्च बन गया और ये होता है डेल्टॉइड मसल, इंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर्स। तो ये एक पूरा आर्च बन गया, तो इसी के नीचे होता है बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल क्यों, सब मतलब नीचे, एक्रोमियल मतलब एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो बर्सा है उसको क्या बोलेंगे, सब एक्रोमियल बर्सा। एक और डायग्राम है, ये हो गई कोरिकॉइड प्रोसेस स्कैपुला की, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्लेविकल कोरेको एक्रोमियल जॉइंट, सॉरी क्लेविकुलो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और ये है ग्लिनोइड कैविटी और उससे अटैच है ह्यूमरस, ठीक है। और ये हो गया आर्च एक्रोमियन और कोरेकोइड का, और ये एक लिगामेंट है कोरिकोएक्रोमियल लिगामेंट। और यहां पे होता है सब स्कैपुलरिस मसल। बर्सा की लोकेशन ये, ठीक है। और डेल्टॉइड मसल हमने पढ़ा था, यहां से ओरिजिनेट होता है और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होता है। तो पूरा डेल्टॉइड मसल कवर करेगा ऊपर से, और ये हो गया आर्च। तो आर्च और डेल्टॉइड मसल के नीचे हो गई इसकी लोकेशन। तो बीनीथ कोरेको एक्रोमियल आर्च एंड डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल, इसका फंक्शन क्या है, जो हम एबडक्शन करते हैं, जैसे ये मूवमेंट हुआ इस साइड एबडक्शन, तो उसमें ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर लिया और एबडक्शन, तो इसका रोल किसमें हो गया, एबडक्शन ऑफ आर्म में, शोल्डर जॉइंट में। और क्या करता है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को, ये जो टेंडन है सुप्रास्पाइनेटस का, इसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल में एक इम्पॉर्टेंट है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस, सब एक्रोमियल बर्साइटिस मतलब ये जो बर्सा है इसका इन्फ्लामेशन। तो इस इन्फ्लामेशन को टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि इन्फ्लामेशन है कि नहीं, एक साइन होता है
इसको बोलते हैं डॉबार्न साइन, डॉबार्न साइन। इसमें क्या करते हैं कि ये जो नॉर्मल पोजीशन है, मतलब अडक्शन वाली पोजीशन में, इस पॉइंट पे जो कोरिको जो आर्च है उसके नीचे हम पालपेट करते हैं, पॉइंट पे उस प्रेशर देते हैं, प्रेशर ओवर डेल्टॉइड इन नॉर्मल पोजीशन ऑफ आर्म अडक्शन। मतलब तो उसमें क्या होगा, पेन होगा। नॉर्मल पोजीशन में करेंगे तो प्रेशर पेन होगा, यहाँ पे हाथ लगाएंगे यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन है तो पेन होगा। फिर क्या करेंगे, वहीं पे हाथ रखे रहने देंगे और क्या करेंगे, एबडक्शन करने का बोलेंगे जो भी सब्जेक्ट है, पेशेंट है। तो इन एबडक्शन नो पेन, पेन विल डिसअपियर। क्यों? क्योंकि जब ये आर्म होगा इधर तो ये क्या, इसके नीचे हो जाएगा, आर्च के नीचे ये छुप जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, वर्षा तो इसके अंदर चलेगी आर्च के, तो फिर पेन नहीं होगा। तो नो पेन, ये हो गया डॉबार्न साइन। तो ये हो गया हमारा सबएक्रोमियल वर्षा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।